दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस की जगह पर ओपीएस को फिर से लागू करने के संबंध में एक बड़ी खबर सामने आई है। और इस खबर के अनुसार यहाँ पर आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने अपने राज्य कर्मियों को एनपीएस की जगह पर ओपीएस का लाभ देने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। और ये कमेटी अगले आने वाले कुछ समय में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद में राज्य कर्मचारियों के लिए एनपीएस की जगह पर ओपीएस को लागू किया जाएगा। तो दोस्तों, क्या है ये पूरी खबर, ये इस वीडियो में आपको डिटेल से बताई जाएगी। तो आप ये वीडियो पूरा देखें, जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक आपके दोस्तों के साथ में शेयर करें, जिससे वो भी इस अपडेट के बारे में जान सकें। और यदि आप भी सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस की जगह पर ओपीएस की जो मांग है उसका समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपकी मांग जरूर लिखें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के वर्तमान मुख्यमंत्री ने चुनाव से पहले भी ये घोषणा की थी कि यदि राज्य में उनकी सरकार बनती है तो सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस की जगह पर ओपीएस का लाभ दिया जाएगा। और अपने वादे को निभाते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री ने जो पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई थी 10 जून 2019 में, उसमें सरकारी कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को शामिल किया था। और उसमें एनपीएस की जगह पर ओपीएस यानी एनपीएस को ख़त्म करने का जो मुद्दा था वो भी यहाँ पर शामिल था। साथ में ही जो आशा वर्कर्स हैं यानी आंगनवाड़ी हैं उनकी सैलरी को भी बढ़ाने का मुद्दा शामिल था। तो इन सभी जो मुद्दे थे या फिर जो मांगे थी उनको यहाँ पर राज्य सरकार ने यानी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। और राज्य सरकार ने यहाँ पर बड़े फैसले लेते हुए खास तौर से जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनकी मंथली सैलरी को 3,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया। उसके बाद में जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उनको कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम की जगह पर ओपीएस का लाभ देने के लिए एक सरकार का सॉरी एक कमेटी का गठन यहाँ पर सरकार ने कर दिया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इट वॉज डिसाइडेड टू पे इंटरिम रिलीफ ऑफ 27% टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड टू सेटअप ए कमेटी फॉर मेकिंग अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन फॉर डूइंग अवे विद द कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम यानी CPS फॉर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है यानी NPS है उसे ख़त्म करने के लिए सरकार ने एक कमेटी का गठन कर दिया है। और यहाँ पर और राज्य सरकार के कर्मचारियों को NPS की जगह पर OPS का लाभ जल्दी ही दिया जाएगा। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छा फैसला यहाँ पर आंध्र प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से लिया गया है और जल्दी ही राज्यकर्मियों को यहाँ पर OPS का लाभ दिया जाएगा। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छी खबर, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक आपके दोस्तों के साथ में शेयर करें, जिससे वो भी इसके बारे में जान सकें। और ऐसी लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स को सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप वीडियो देख पाएंगे। धन्यवाद।